गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना सभी? आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका 8th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन वीडियो ही रहेगी। आज आपको चैप्टर के बारे में बताया जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, कल हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो आज इंट्रोडक्शन क्या है? चैप्टर का नाम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा जी? वो वही नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ए क्या होता है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर एट या फिर दोस नंबर्स, दोस नंबर्स विच आर विच आर एक्सप्रेस, क्या किए जाते हैं? वो एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है ये एक्सप्रेस। वे हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड पी क्यू आर को प्राइम, क्या होते हैं ये? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, वे नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं हम इसको, पी बाई क्यू भी बोल सकते हैं आपको, ए बाई बी जो आपको बोल सकते हैं वैसे बोल सकते हैं, बस क्या है डिवाइड के फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, जैसे पी बाई क्यू बोलो या फिर ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो, यानी कि जो हमारा क्यू है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के इक्वल, यदि ये 0 के इक्वल हो जाता है तो ये क्या मतलब है इसका? वो अनडिफाइंड होता है। हम इसको पढ़ेंगे कि ये 0 के इक्वल नहीं है। उससे पहले हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पी और क्यू है वो क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम नंबर होते क्या हैं ये देखते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वही होते हैं बेटा जी, इट ये क्या है? इट इज ए पेयर, पेयर ऑफ नंबर्स, ये क्या है? एक पेयर है, जोड़ा है। ठीक है, यानी कि कम से कम इसमें दो नंबर्स होने चाहिए, विच हैज एच सी एफ इज वन, यानी कि उन पेयर का जो एच सी एफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास? वन आए उस पेयर का, वो क्या होता है आपके? को प्राइम नंबर। यानी कि उस दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए? वन कॉमन आना चाहिए, वही आपके क्या होते हैं? को प्राइम नंबर है। जैसे 2/3, ठीक है, 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, केवल वन फैक्टर है इसमें कॉमन, बाकी नहीं है। 4/9, ये क्या है? को प्राइम नंबर है ना, क्योंकि 4 के क्या होंगे फैक्टर? 1, 2, 4। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 9, है ना। इसमें कॉमन क्या है मेरा? 1, 1 है ना कॉमन। एस सी एफ क्या है मेरा? 1। यदि एस सी एफ 1 आता है तो ये क्या हो गया मेरे पास? को प्राइम नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम है वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, वे कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी कि एच सी एफ 1 होता है। ठीक
ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे थे, एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू या फिर न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, वेन डिनोमिनेटर यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है एंड पी क्यू आर क्या है मेरे पास, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ क्या होता है वन आता है। ये जो इसमें कॉमन कुछ आता है तो हम उसको कैंसिल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है आपके पास 2/3, 4/9 कुछ भी होते हैं। आई बस में ठीक है, इतना समझ में आया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको डिस्कस करते हैं हम, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ये क्यों नहीं है। ठीक है, को प्राइम समझ में आ गया आपको। देखो पी बाई क्यू मैंने ले लिया, देखो मैंने ले लिया 8/2, ठीक है 8/2 ले लिया मैंने, इसका आंसर हमें पता है कि क्या आएगा, 4 आएगा, है ना 4 आएगा, इसको है ना ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं है ना 2 की टेबल में 8 को ढूंढता हूँ, है ना, मैं 2 की टेबल में 8 को ढूंढता हूँ, यानी कि 8 है ना वो किसकी टेबल में, यानी कि किस नंबर पे किस कितने टाइम्स 2 का 8 आता है ना, यही देखते हैं ना, यानी कि मैं क्या करता हूँ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ले सकता हूँ, यानी कि जो मैं 2 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ, आंसर कितना आना चाहिए मेरा 8, यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं 2 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ कि मेरा आंसर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। 8/2 का मतलब क्या है, यही है ना वो 2 की टेबल में किस टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है वो 8, है ना, तो 4 टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, 2 4 8, तो यहाँ पे आंसर कितना है मेरे पास 4 आई वैस में, यानी कि 8/2 के आंसर है 4, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स आता है, इसलिए यानी कि 2 की टेबल मल्टीप्लाई 4 के साथ करूँ मैं 8 आया आंसर। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन, यदि मेरे क्या है क्यों इक्वल 0 हो जाए, यदि मैं क्या करूँ मैं 8/0 करूँ, क्या करूँ मैं 8/0, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 0 को कितने टाइम्स यानी कि किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर कितना आए 8 आए, यानी कि मैं क्या करूँ 0 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ कि आंसर 8 आए, या क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं 0 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आंसर कितना है मेरा 8 आ रहा है, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है मेरा 0 आता है, बट इसने क्या करा कि जो 0 है मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास डिफाइन ही नहीं कर सकता, मैं लिख ही नहीं सकता इसका आंसर क्या आएगा, ये बोलते हैं हम अनडिफाइन, क्या बोलते हैं इसको अनडिफाइन, ये क्या है मेरे पास अनडिफाइन है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यदि ये जीरो हो गया तो आंसर कितना है अनडिफाइन, यानी जिसका हमें कुछ नहीं पता, ओके ये कहता है आपका अनडिफाइन नंबर, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये डेफिनेशन समझ में आई, रेशनल नंबर क्या होता है रेशनल, सॉरी ये भूल गया मैं, रेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सब आपका को प्राइम समझ में आ गया, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया ये समझ में आ गया, और रेशनल नंबर आ गया समझ में आपको क्या है क्या नहीं। ठीक है ओके, अब हम इसके सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम क्या है रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, देखो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, क्या आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या आते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया, एक कलेक्शन हो गया किसका, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, फिर आते हैं कौन से नंबर आपके होल नंबर, क्या आते हैं होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं बेटा जी,
जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जीरो आ जाता है इसमें, है ना। वन टू थ्री ये तो आते ही आते हैं, साथ में क्या आता है, जीरो आ जाती है इसमें। ओके, वो क्या आते हैं आपके होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हो गए वो उतने सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आता है आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर आता है आपका इंटीजर्स। क्या आते हैं बेटा जी, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें सभी के सभी क्या आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, सभी के सभी होल नंबर भी आएंगे, और सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। इसमें क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं किसमें, इंटीजर्स में। इस यानी कि जो आपका कहते हैं जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे। ठीक है, यानी कि इस नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1, 2, 3, होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, और इंटीजर्स में माइनस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है बेटा जी, सभी के सभी जितने भी नेचुरल नंबर हों सभी के सभी रेशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हुए के सभी क्या है, रेशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, और साथ में फ्रैक्शन क्या आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन भी आएंगे। फ्रैक्शन मैंने बताया था क्या होते हैं, जो पार्ट होता किसी होल का। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल, क्या कहलाता है आपका, फ्रैक्शन। रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये समझ में आ गया, यानी कि सभी के सभी नंबर्स, जितने भी आप नंबर जानते हैं, वही सभी के सभी क्या हैं, रेशनल नंबर होते हैं आपके। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बारे में हम आज, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी दो तरह की होती है आपकी। ठीक है, एक होती है एडिटिव, एक होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, दो आइडेंटिटी होती है आपकी, एक एडिटिव में, एक मल्टीप्लिकेटिव में। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव में, यानी इसमें क्या होते हैं प्लस, इसमें क्या होते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडेंटिटी होता क्या है। आइडेंटिटी वे होते हैं बेटा जी, वे नंबर होते हैं जिनमें ऐड करने के बाद, यदि हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, यदि हम उनको प्लस करने के बाद कुछ भी फ़र्क ना पड़े, आइडेंटिटी में प्लस करें या फिर मल्टीप्लाई करें, उनमें कोई भी फ़र्क ना पड़े। ठीक है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं बेटे। क्या होते हैं, आइडेंटिटी। कुछ भी मैं प्लस कर दूँ, जैसे मैंने किया 2 ले लिया मैंने, 2 में मैं क्या ऐड करूँ, मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या है, 2 ही आए, यानी कि मैं कुछ भी ऐड करूं इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी होती है। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 2 ही आए मेरे पास आंसर, क्या ऐड करूं मैं, 0, क्या 0, तो जो 0 है, उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। आई वाश में वही आंसर आएगा, यानी कि ए 2 में प्लस 0 किया तो आंसर कितना है, 2, है ना। इसका मतलब क्या है, जो 0 है, वो क्या है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है,
आगे है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में तो प्लस किया था हमने, इसमें क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई, यानी कि मैं टू की किससे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर कितना है मेरा टू, आंसर कितना है मेरा टू, तो मैं किससे मल्टीप्लाई, क्या मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँ, जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर कितना आएगा मेरा जीरो ही आएगा, ठीक है जीरो के। फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि टू आए, वन, क्या है वन, तो जो ये वन है मेरा, जो ये वन है ये क्या होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वन। आइडेंटिटी समझ में आए, आइडेंटिटी वे नंबर होते हैं जिन पर कोई भी फर्क नहीं होता, ठीक है, जैसे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें जीरो में प्लस करने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वन, वन की मल्टीप्लाई किसी के साथ करें वो क्या आएगा, वही आंसर आएगा, ये आपके आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आते हैं आपकी आइडेंटिटी हो गया, फिर आते हैं आपके इनवर्स, क्या आते हैं इनवर्स, इनवर्स इनवर्स भी दो तरह का होता है आपका, एक होता है आपका एडिटिव इनवर्स, एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी थी मेरे पास टू टाइप्स की, वैसे ही इनवर्स है टू टाइप्स के, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एडिटिव कौन सा लगेगा प्लस, है ना, मैं कोई दो नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैं लेने ए प्लस बी, ठीक है, कोई मैंने दो नंबर ले लिए ए प्लस बी, तो आंसर है जो वो क्या होना चाहिए मेरा एडिटिव में है, तो क्या होना चाहिए मेरा एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, क्या आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मेरी जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो, ठीक है। यदि मैं ए प्लस बी आंसर कितना है जीरो, जीरो आंसर ये जरूरी इंपॉर्टेंट है एडिटिव आइडेंटिटी ये वाला, ठीक है इंपॉर्टेंट है, यदि ये नहीं आता और कुछ आता आपका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है, तो आइडेंटिटी ये जरूरी है आपकी। देखो अब क्या होगा, जो ये ए है ये क्या बनेगा एडिटिव इनवर्स बनेगा बी का, ठीक है, और जो बी है ये एडिटिव इनवर्स बनेगा ए का, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास टू है नंबर, ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड करूं, आंसर कितना आना चाहिए मेरा जीरो, क्योंकि जीरो कंपलसरी है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी वही है मेरी, ठीक है, तो मैं टू में क्या ऐड करूं, आंसर कितना है मेरा जीरो है, क्या ऐड कर सकता हूं इसमें, इसमें करूंगा मैं माइनस टू, माइनस टू, ठीक है, जो ये माइनस टू है, जो ये माइनस टू है, जो प्लस टू है, दोनों क्या है आंसर मेरा जीरो, ठीक है। तो जो ये टू है ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन सॉरी एडिटिव इनवर्स होगा माइनस टू का, और जो माइनस टू का एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा मेरा टू होगा, ओके। ऐसे इसमें प्लस किया था, इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो मैं टू की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है मेरी वन, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए वन, मैं टू के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँ, किसकी वन बाई टू, वन बाई टू, ठीक है आई बात में। तो जो ये टू है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वन बाई टू का, और जो ये वन बाई टू है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा टू का, ये एक दूसरे के क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक दूसरे के क्या होते हैं एडिटिव इनवर्स। तो आपको आइडेंटिटी और इनवर्स समझ में आया, इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। देखो मैंने बोला फाइव का एडिटिव आइडेंटिटी बताई, फाइव की क्या बताना है मुझे एडिटिव
एडिटरी आइडेंटिटी तो पता ही आपको, जीरो होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो तो क्या होती है आपके पास वन ही होती है, इनवर्स समझते हैं हम, इनवर्स इनवर्स। यदि आपको पूछे फाइव का एडिटिव इनवर्स पूछे, क्या पूछे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या हुआ फाइव का माइनस फाइव, ठीक है, तो साइन चेंज कर दो बस। क्यों? क्योंकि मैं फाइव में माइनस फाइव ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना है ना, जीरो। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए फाइव एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस फाइव का, और माइनस फाइव एडिटिव इनवर्स हो गया फाइव का। इसी तरह इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव बताना हो किसका, फाइव का, तो क्या आ गया मेरे पास वन बाई फाइव। क्यों? यदि मैं क्या करूँ, फाइव की मल्टीप्लाई वन बाई फाइव के साथ कर रहा हूँ तो आंसर कितना है मेरा वन, क्योंकि फाइव से फाइव कैंसिल, आंसर कितना है मेरा वन। तो ये क्या है, इनवर्स हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है।